हेलो दोस्तों, नमस्कार। चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर पे। तो जो भी दोस्त CUT UG का पेपर दे चुके हैं और किसी भी कॉलेज में, यूपी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीटेक लेटरल एंट्री या फिर किसी भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन लोगों का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो जारी कर दिया गया है AKTU की तरफ से। मतलब कि जो AKTU में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, AKTU से रिलेटेड कई कॉलेज है जो कि एफिलेटेड है AKTU से, ठीक है। उसमें कहीं भी आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है कि क्या क्या चीज़ आप सभी की रिक्वायर्ड होनी चाहिए जब भी आप काउंसलिंग कराने जाएंगे उस समय पर, तो उसके बारे में AKTU ने सारी जानकारी आपको दे दी है, PDF में है। चलिए बात करते हैं PDF में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी सारा PDF पूरा पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम वही चीज़ें आप सभी से डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ जो हम बातें करेंगे उसको आप याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या बातें हम करते हैं आपसे, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात किया गया है, इन्होंने बताया कि फर्स्ट ईयर के बारे में, ठीक है। तो हमको फर्स्ट ईयर से मतलब नहीं है, ठीक है, हम बात करेंगे केवल लेटरल एंट्री के बारे में। जो भी दोस्त लेटरल एंट्री से एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, उनके बारे में बेसिकली हम बीटेक लेटरल एंट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाकी जो दोस्त अलग स्ट्रीम से, फर्स्ट ईयर से या फिर अलग MTech, MBA या फिर BCA किसी भी कोर्स से, B Pharma, तो वो लोग भी अपने जो इस PDF को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें सेम है, कुछ ही चीज़ें डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए लिखा गया है MCA MBA थ्रू CUT UG 2024, ठीक है, एंड बीटेक सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक B Pharma थ्रू CUT UG 2024, MCA थ्रू CUT 2024। इन सारी चीज़ों का यहाँ पे जैसे देखिए सेकेंड ईयर का कौन कौन सा दिया गया, बीटेक सेकेंड ईयर, B Pharma सेकेंड ईयर, इन दोनों का दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट ये जहाँ से आपकी काउंसलिंग होगी, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी कटेगा, आप जहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो वेबसाइट आप सभी की ये है uptech.admission.nic.in। इस वेबसाइट को आप विजिट करेंगे, यहाँ पे आप सभी को सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा, ये बुलेटिन भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं ये जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग फॉर एडमिशन कैन बी मेड ऑनलाइन ओनली, ठीक। आपका कोई भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं हुआ, ऑनलाइन आप जाएंगे वेबसाइट पर, वहाँ से आपको सबमिशन करना होगा, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट देंगे, अपना नाम पता सब कुछ वहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक। कौन सी साइट है, फिर से वही साइट की बात की गई, uptech.admission.in। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी केवल आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो वो आई है, अभी आप सभी की काउंसलिंग सेकेंड ईयर वालों की नहीं स्टार्ट हुई है, अभी केवल फर्स्ट ईयर वालों की जो कि JMains के थ्रू जिन लोगों का एडमिशन होता है उन लोगों का भी स्टार्ट हुआ, उन लोगों का एडमिशन चल रहा है, ठीक है, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, यूपी से जो भी है उन लोगों का एडमिशन आसानी से हो सकता है। ये देखिए जो भी हाईलाइटेड पोर्शन इसमें दिया गया वो चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे 5th नंबर की बात करते हैं, दिस काउंसलिंग इज ऑल्सो ओपन टू द कैंडिडेट्स हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन लोकेटेड आउटसाइड यूपी, ठीक है, जो आउटसाइड यूपी से भी पास हुए हैं उनके लिए भी ये मतलब कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ठीक है, मतलब कि वो लोग भी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड हुज पेरेंट आर नॉट डोमिसाइल ऑफ यूपी सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी कंडीशन गिवन इन द इंफॉर्मेशन ब्राउचर, जिनके माता पिता यूपी से नहीं है वो लोग भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में आगे बताया गया जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये 6th पॉइंट में थोड़ा सा दिया गया है कि प्लीज़ नोट दैट कैंडिडेट्स डू नॉट नीड टू सेंड कन्फर्मेशन पेज प्रिंटेड आफ्टर कंप्लीशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है। हाउएवर द कैंडिडेट शुड कीप द प्रिंट आउट ऑफ द कन्फर्मेशन पेज फॉर रिकॉर्ड, जो भी आप जब काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग करने के बाद आपका कन्फर्मेशन पेज जब आएगा, ठीक है, फाइनल जब आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज आएगा, उसको आप रखे रहिएगा रिकॉर्ड करके, मतलब कि कहीं पे हार्ड कॉपी में या फिर सॉफ्ट कॉपी में आप अपने मेल पर रख सकते हैं या फिर आप अपने गूगल ड्राइव में रख सकते हैं, जहाँ भी आप रखना चाहें, मतलब जहाँ पे सेफ पड़ा रहे वहाँ पे आप इसको रख लीजिएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन नंबर ज़रूर आप रखिएगा, फ्यूचर में कभी भी काम आ सकता है इसका, ठीक है। और अगर बात करते हैं इसमें ये 9th नंबर की बात कर लेते हैं, 20% ऑफ द टोटल सेंक्शन सीट अवेलेबल टू ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर
एडमिशन इन फर्स्ट ईयर इन ऑल कोर्सेज इन इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू एक सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी कंडीशन गिवन इन द इंफॉर्मेशन ब्राउचर। ठीक, तो ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए, इसके बारे में बात नहीं करते। बाकी अगर बात करते हैं, कैंडिडेट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैंड इमेज। ठीक, क्या क्या चीज़ आपको जरूरी है। अगर डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट आपके लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले तो आप कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपके पास आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए CUET UG का, ठीक है। आप सभी के पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, चूँकि अभी स्कोर कार्ड आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो आप उसको संभाल के रखिएगा। फिर आप सभी के पास डिप्लोमा की मार्कशीट होनी चाहिए, अगर आप बीएससी की हो तो बीएससी की मार्कशीट होनी चाहिए। फाइनल मार्कशीट चाहिए, ठीक है, फाइनल मार्कशीट जो कि आपका 6 सेमेस्टर के बाद आएगा। अभी लेकिन आप सभी का एडमिशन नहीं हुआ तो अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ तो 6 सेमेस्टर का आप सभी के पास मार्कशीट है नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ आप नोट रखिए कि जो आपका सर्टिफिकेट है, कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट, वो कब का आपका होना चाहिए। यहाँ पे 13 पॉइंट देखेंगे यहाँ से, ठीक है। नोट दैट द सर्टिफिकेट फॉर OBC कैंडिडेट एंड सर्टिफिकेट फॉर EWS कैंडिडेट शुड बी इश्यूड ऑन और आफ्टर, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1/4/2024, मतलब कि 1 अप्रैल 2024 या फिर उसके बाद का बना हुआ आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वही केवल एप्लीकेबल होगा, वही आपका मान्य होगा। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है अपने कास्ट सर्टिफिकेट तो आप अभी चाहिए और बनवा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, मैंडेटरी ड्यू टू कंडीशन ऑफ क्रीमी लेयर फॉर OBC, ठीक है, OBC के लिए कहा गया है। एंड सर्टिफिकेट फॉर EWS कैंडिडेट शुड बी वैलिड फॉर एकेडमिक ईयर 2024 एंड 2025। जो EWS सर्टिफिकेट आपका वो एकेडमिक ईयर जो है 2024-2025 का होना चाहिए, ठीक है। वही लोग मतलब कि इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। एप्लीकेशन हुज क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट्स आर नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन डेडलाइन फॉर काउंसलिंग विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। धन जी, एप्लीकेंट्स वे छात्र जिनका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। जैसे बात करते हैं, अगर PTECH लेटरल एंट्री की बात करते हैं, तो जैसे कि आपका 6 सेमेस्टर का है, 6 सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर आप सभी का होता है, तो आपकी मार्कशीट काउंसलिंग की डेडलाइन जो है, मतलब कि जब भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, मान लेते हैं अगर आज से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है और 20 दिन तक काउंसलिंग आपकी चलती है, आज कितनी तारीख है, आज आपका 13 तारीख हो गया, ठीक है। तो 13 से लेकर 23 तक, इन 23 तक के बीच में आपका मार्कशीट जो है वो आ जाना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए आपके पास, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली कहा गया है, ठीक है, नहीं एलिजिबल होंगे अगर आपके साथ आपकी मार्कशीट नहीं है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इफ एनी डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन सबमिटेड टू द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी फॉल्स एट एनी स्टेज, ठीक है, हिज और हर एडमिशन शैल बी कैंसल्ड। अगर आपने मान लेते हैं, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे काउंसलिंग के लिए, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया OBC का, कि आपके पास डॉक्यूमेंट एक अप्रैल के बाद का आपके पास डॉक्यूमेंट है, लेकिन जब आप वहाँ पे फॉर्म जब काउंसलिंग करने जाते हैं, फिजिकली जब आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं, और अगर आपके पास वो नहीं है डॉक्यूमेंट जो आपने वहाँ पे दिया है ऑनलाइन, जो आपने सबमिट किया है, तो आपका जो सीट होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आप फिर काउंसलिंग नहीं कर सकते उस सीट के लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे स्ट्रिक्टली कहा गया है, अगर आपके पास फॉल्स एनी स्टेज में पाया जाता है, गलत पाया जाता है, तो आपका जो सबमिशन एडमिशन सैलरी कैंसिल, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड ही और सी मे बी लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर द लॉ इन केस ऑफ एनी लीगल डिस्प्यूट, ठीक है, विल बी लिमिटेड टू द लखनऊ कोर्ट ओनली। आपका ये स्ट्रिक्टली कहा गया कि लॉफुल जो तरीके से आप चलेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जो डॉक्यूमेंट आपके पास हो वही अपलोड करिएगा, जो आप वहाँ पे फिजिकली जमा कर सकते हैं जहाँ पे आपका कॉलेज अलाउट हुआ है, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट हिमसेल्फ इंश्योर अबाउट एलिजिबिलिटी व्हाइल रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। इफ अ कैंडिडेट हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग कोर्सेज इन द काउंसलिंग एंड रजिस्टर्ड फॉर सो ही विल नॉट हैव एनी क्लेम व्हाट सो एवर फॉर एडमिशन एनी। आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना रखा गया, 1000 रुपये। आप रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना पेमेंट करेंगे, 1000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी रखा गया जब भी आपका
स्टार्ट हुआ। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूशन कोर्सेस एंड सीट्स में इंक्रीज और डिक्रीज, जो आपका सीट है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है जिस हिसाब से सीटें वहाँ पे होंगी। तो ये हुआ। बाकी अगर बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वंस द सीट इज अलॉटेड टू द कैंडिडेट नो चेंज इन द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर आपको सीट अलॉट कर दिया गया, आपने लॉक कर दिया सीट को, तो फिर इसमें कोई चेंजेस आप कर नहीं सकते। ये बाद में भी आपको बात करेंगे जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो, तो इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, द फी पेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपका सीट अलॉटेड, जब सीट आप कन्फर्म करते हैं तो उस टाइम आपके कुछ फीस लगती है। ठीक है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है, ये दोनों आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट विल बी फॉरफिटेड एंड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, किसी भी केस में आपका वो फीस वापस नहीं होगा। ठीक, सॉरी, वो बीस चार्ज जो है वो आपका वापस होगा, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन फीस किसी भी केस में वापस होगा। बीस चार्ज में वो भी कुछ पैसे आपके वापस होंगे जब वो आपका काउंसलिंग का बाउचर आएगा, तो उसमें बात करेंगे कि कितनी फीस आपका वापस होगा, किस केस में वापस होगा, सारी चीज़ों के बारे में उस टाइम बात करेंगे। ठीक है, तो ये होगा। और अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे, सेंट्रल एडमिशन बोर्ड फर्स्ट ईयर, ये हो गया डायरेक्टरी रिलेटेड। ये जो आपकी सीट होती है ना, वो कॉलेज में कितना एडमिशन हुआ फर्स्ट ईयर में, उसका 10% जो सीट होता है वो लेटर एंट्री के लिए होता है। ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और अगर बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट, हाँ ये देखिए यहाँ पे देखिएगा, फॉर बी टेक द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द बीएससी। ठीक है, जो भी दोस्त बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं और बीएससी से बिलोंग करते हैं, स्ट्रीम शैल बी कंसीडर्ड ओनली आफ्टर फिलिंग द सीट बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द डिप्लोमा स्ट्रीम। जो भी दोस्त डिप्लोमा स्ट्रीम से हैं, जैसे आपने डिप्लोमा करने के बाद आप बीटेक करना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं वो बीएससी के बाद बीटेक करना चाहते हैं, क्योंकि अब बार बीएससी वालों को भी अप्लाई करने के लिए दिया गया, मतलब एलिजिबिलिटी पर बताया गया है कि वो लोग भी एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। तो अगर डिप्लोमा वालों का एडमिशन हो जाता है, उसके बाद सीट बचती है कॉलेज में, तो बीएससी वाले वहाँ पे सीट ले सकते हैं। उनको सीट तभी मिलेगा जब सीट खाली बचेगी, अगर एडमिशन ले लेंगे जब डिप्लोमा वाले। ठीक है, तो ये चीज़ बताया गया इसमें। ठीक है, और अगर बात करते हैं ये सीट के बारे में बताया गया है, यहाँ पे बताया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो अगर बात करते हैं बीटेक एंट्री करें, ठीक है, पास मिनिमम 3 ईयर और 2 ईयर डिप्लोमा एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स मार्क्स। ठीक है, और 40% एससी एसटी इन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन एग्रीकल्चर फार्मेसी एग्रीकल्चर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ PTUP और इक्विवेलेंट। ठीक है, और बीएससी वालों को क्या कहा गया है, पास बीएससी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टू यूनिवर्सिटी एज डिफाइंड बाई UGC। ठीक है, विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, 10+2 डिप्लोमा विल अलॉटेड इफ द सीट रिमेंस वैकेंट। वही चीज़ बार लिखा गया, इफ विल सीट अलॉटेड विल बी अलॉटेड। ठीक है, इफ सीट रिमेन वैकेंट आफ्टर अलॉटमेंट टू डिप्लोमा स्टूडेंट। वही चीज़ बार बताया गया कि बीएससी वाले तभी एलिजिबल है जब अगर डिप्लोमा वाला का एडमिशन हो जाने के बाद सीट बचती है, तो वो चीज़ बताई गई। ठीक है, बाकी और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, बाकी और कोई चीज़ छूटती है तो आपको नेक्स्ट बताया जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट कब ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके बारे में कैटेगरी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपका, तो उसको नहीं भी देखेंगे तो भी चल जाएगा। इधर डोमिसाइल रिक्वायरमेंट सेंटर, तो ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है हमारी। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितना रिजर्वेशन है अगर बात करते हैं, ठीक है, तो SC वालों का 21% रिजर्वेशन है, और ST वालों के लिए 2% का रिजर्वेशन, बैकवर्ड OBC के वालों के लिए 27% का रिजर्वेशन, और AWS वालों के लिए 10% रिजर्वेशन रिजर्व सीट रहती है। ठीक है, ये रिजर्वेशन आपसी का इसमें दिया गया, और यहाँ पे हैंडीकैप वालों का भी दिया गया।
ठीक है, मतलब सब कैटेगरी वाले जो भी हैं, फ्रीडम फाइटर वालों का है ये 2% सीट इन लोगों का रहता है, ठीक है, मैक्सिमम 2% सीट रहता है कि रिजर्व रहता है, आप उस सीट पर कोई और एडमिशन नहीं ले सकता, चाहे वो सीट खाली ही जाती है, ठीक है। सेम ये चीज़ है, फिर दिव्यांगजन वालों का फीमेल के लिए 20% सीट आपका फिक्स होता है कि इस सीट पर इतने सीट पर फीमेल रहेंगी, जैसे 10 सीट है, 10 में से 2 सीट पर फिक्स है कि किसी मतलब लड़की का एडमिशन होगा, किसी भी गर्ल्स का एडमिशन होगा। बाकी और बस, और कुछ इसमें ऐसा कहा नहीं गया, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पे फिर से फी के बारे में बताया गया, फी द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी इज 1000 रुपीज़। द रजिस्ट्रेशन फी हैव टू बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग वाइल सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। जब एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे उस टाइम आपको फीस ये पेमेंट करनी पड़ेगी। प्लीज़ नोट दैट द बैंक में एडिशनली चार्जेस, सर्विसेज चार्जेस प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस वाइल मेकिंग द पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये चार्जेस का बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी और कुछ और ट्यूशन फी के बात बारे में आप बात किया गया, ठीक है। ट्यूशन फी इसमें जरूरी नहीं है। फी इन प्राइवेट कॉलेज, रनिंग कॉलेज, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज विल बी एज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, ठीक है, ये हो गया। बाकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, ये लास्ट डेट अभी आप सब किया, अभी स्टार्टिंग नहीं हुई तो लास्ट डेट कहाँ से आएगी, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये रहा आपकी सारी चीज़, आपको समझ में आ गई। हाँ, तो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट आ जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आप हमसे। और अगर अभी तक आप सभी ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन होगा आपको वहाँ पर सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। आपको काउंसलिंग अगर कराना, पूरा प्रोसेस आप काउंसलिंग का वहाँ पर मिल जाएगा, कैसे कैसे आपको होगा, हर एक स्टेप का आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, सारी बातें आपको वहाँ पे बताई जाएंगी। तो आपकी सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपको उनमें, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।